हाँ जी नमस्ते आंटी जी। नमस्ते भैया। क्या नाम है आंटी जी आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, आंटी जी कहाँ रहते हैं आप? विवेकानगर में। विवेकानगर में कहाँ पे? विवेकानगर कनौली में, गाजियाबाद विवेकानगर में। हाँ जी। तो यहाँ आपको आंटी जी क्या परेशानी थी? पेट के प्रॉब्लम थी, पेट भारी भारी लगते थे। पेट की समस्या थी आपकी? हाँ। पेट आपको भारी भारी लगता था? हाँ। पेट आपका साफ नहीं हो पाता था? नहीं। कब्ज रहती थी, गैस बनती थी? हाँ। तो इसका इलाज आंटी जी आपने पहले करवाया कहीं? हाँ, बहुत डॉक्टर से करवाया था, काफी समय से। कई हाँ, डॉक्टरों से आपने इलाज हाँ, करवाया? हाँ। तो कहाँ, किसी हॉस्पिटल में करवाया आपने? डॉक्टर के पास करवाया। डॉक्टर के पास? हाँ। तो उससे आपको कोई सुधार नहीं हो रहा था? नहीं। तो अब आप आंटी जी कहाँ से इलाज करवा रहे हैं अपना? आयुर्वेदिक दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ। कौन कौन सी दवाई है जो आप आंटी जी इस्तेमाल कर रहे हैं? एक आप लिबोडोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। और दूसरा आप इम्नोडोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी। इसको आंटी जी इस्तेमाल करते आपको कितना समय हुआ? एक महीने तो हो गया। एक महीना? हाँ। आपने इसको इस्तेमाल किया? एक महीने तो हो गया। इसको हाँ। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आपके पेट में कोई सुधार हुआ? हाँ, बहुत हुआ। पेट की कब्ज, जो गैस आपको बन रही हाँ, थी, वो आपकी ठीक हो गई है? हाँ। अब आप आंटी जी पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी। मतलब आपकी काफी परेशानी हल हो गई है? हाँ। तो मैं मानू तो आपकी कितनी परेशानी हल हो गई होगी? कम से कम 40 या 50%? हाँ। पहले तो बिल्कुल रोटी नहीं खाता था मैं, आधी रोटी खाता था। आपको भूख नहीं लगती थी? बिल्कुल भूख नहीं लगता था। अब आप रोटी खा रहे हैं? हाँ। अब कितने? तो दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी खा लेता हूँ। अच्छा जी। हाँ। तो आंटी जी अभी आपने दो बार खा लेता हूँ। पहले तो मैं एक टाइम खाता था, एक आधी रोटी पानी के साथ घोटता था। अब तो दो टाइम खा लेता हूँ, फिर रात में भी खा लेता हूँ। तो इसको आंटी जी आपने लगातार लेना है, ये 3 महीने का हमारा कोर्स है। हाँ, इसको आपने लगातार इस्तेमाल करना है। हाँ। ठीक है आंटी जी, नमस्ते। हाँ, आंटी जी नमस्ते।